आप लोग भी अब राज्य कर्मी बन ही जाइए। एक परीक्षा लेनी है, परीक्षा ले रहे हैं, 26 एग्जाम है ना, हाँ तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, सारे पास कर जाए, जरा भी अपना विषय की जानकारी है तो आप पास। पहले आप देखेंगे कि पहली घंटी कितने बजे शुरू होती थी, 9:30 बजे कैलेंडर उठा के देख लीजिए अधिसूचना का, और 8वीं घंटी कब खत्म होती थी, 3:30 बजे। बस अब वो पहली घंटी 9:30 से की बजाय 10 बजे शुरू होगी, और 8वीं घंटी जो 3:30 बजे खत्म होती थी वो 4 बजे खत्म होगी। अब मिशन 10 और स्पेशल क्लासेस 4 से 5 के बीच में चलेंगी। तो पढ़ाई 10 से 4 के लिए बोल दिया गया सरकार ने, बस आपसे अनुरोध है कि थोड़ा पहले आइए, थोड़ा देर हो जाइए, ठीक है, 10 से 4 की बात है, थोड़ा पहले आना है, थोड़ा देर ना हो। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार में स्कूलों की टाइमिंग और नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने रुख में नरमी दिखाई है। कटिहार में स्कूल निरीक्षण के दौरान के पाठक ने दोनों अहम मुद्दे पर अपना बदला हुआ रुख प्रकट किया है। ऐसा माना जा रहा है कि के पाठक ने आंदोलनकारी शिक्षकों और विपक्षी दलों के तीखे तेवर पर मरहम लगाने का काम किया है। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव की बात स्वीकार की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग निर्धारित की गई है, लेकिन 10 बजे से थोड़ा पहले आने की अपील की है ताकि बच्चों के आने के पहले साफ सफाई किया जा सके, साथ ही कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही है। यही नहीं, सक्षमता परीक्षा को लेकर के भी नरमी दिखाई है, बीपीएससी की जगह मामूली परीक्षा लिए जाने की बात कही है। सुनिए पूरी बात। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि अब आप लोग की तैयारी कर रहे हैं कि प्रिंसिपल भी आप बन सकते हैं परीक्षा देकर, तो जो 8 साल जिनकी हो गई वो तो एलिजिबल, उसके लिए मुझे आपसे अनुरोध करना है कि आप तैयारी करें प्रिंसिपल बनने की, प्रमोशन इंतजार कर रहा है। बाकी मुझे और कुछ कहना नहीं है। आपके स्कूलों में जुलाई से जो आप लोगों ने मेहनत शुरू की उसमें बहुत पहला है, बच्चे बच्चे आने लगे कि अब तो पढ़ाई 10 से 4 के लिए बोल दिया गया है सरकार ने, बस आपसे अनुरोध है कि थोड़ा पहले आइए, थोड़ा देर हो जाइए, ठीक है, 10 से 4 की बात है, थोड़ा पहले आना है, थोड़ा देर तक हो सकता है। लेकिन ये है कि जो कमजोर बच्चे, जैसे आज ही मैं स्कूलों में गया, देखिए बच्चे एक पन्ना नहीं पढ़ रहा है, सीएम साहब देखते नहीं पढ़ पा रहे, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, विज्ञान और गणित तो दूर की बात है, और ये 8वीं का बच्चा देखिए ना, नहीं कुछ पढ़ पा रहा है, ये ड्रॉप आउट टीचर है, छटक के भागेगा, उसको नहीं पढ़ना, हमें ही उसको इनकरेज करके पढ़ाना। तो ये हम लोग आपको कहना चाह रहे थे कि अब टीचर और बच्चों में जो गैप था वो 2 लाख टीचर और आ गए हैं। आप लोग भी अब राज्य कर्मी बन ही जाइएगा। एक परीक्षा लेनी है, परीक्षा ले रहे हैं, 26 एग्जाम है ना, हाँ तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, सारे पास कर जाए, जरा भी अपना विषय की जानकारी है तो आप पास। कितने लोगों ने भरा है परीक्षा, सक्षमता वाला परीक्षा किसी ने भरा है? हमें बताया गया कि 70% लोगों ने भर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको भी राज्य कर्मी बन जाइएगा। जैसा कि जानते हैं, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने से पहले सक्षमता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता की गई है। शुरुआत में बीपीएससी की तर्ज पर ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने की बात कही गई थी। 3 मौके में शामिल होने के बाद भी फेल हो जाने पर नौकरी समाप्त किए जाने की बात कही गई थी। इस बात को लेकर बिहार के करीब 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि नियोजित शिक्षकों के विरोध के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 3 ऑनलाइन परीक्षा के अलावा 2 ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने की घोषणा की थी, साथ ही नौकरी जाने जैसी कोई बात से इनकार किया था, फिर भी आंदोलन जारी था। दूसरी तरफ स्कूल का समय 9:00 बजे से 5:00 बजे तक संचालित किए जाने का मामला सदन में उठाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा दिया था कि 10 बजे से 4 बजे संचालित किया जाएगा। जो तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है, ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते, बैठ जाइए।
लेकिन इसके बाद भी के पाठक ने समय सारणी को नहीं बदला। के पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल में रहने की बात कही गई। पहले आप देखेंगे कि पहली घंटी कितने बजे शुरू होती थी, 9:30 बजे कैलेंडर उठा के देख लीजिए अधिसूचना का, और 8वीं घंटी कब खत्म होती थी, 3:30 बजे। बस अब वो पहली घंटी 9:30 से की बजाय 10 बजे शुरू होगी और 8वीं घंटी जो 3:30 बजे खत्म होती थी वो 4 बजे खत्म होगी। अब मिशन दक्ष और स्पेशल क्लासेस 4 से 5 के बीच में चलेंगी। विपक्षी दलों ने इस बात को उठाया कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी के पाठक ने पत्र नहीं जारी किया। तब अगले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुबह के 10 बजे से 15 मिनट पहले और शाम 4 बजे के 15 मिनट बाद स्कूल से जाने की बात कही गई है। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए, यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं, 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा, टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा, यही है नियम पहले से। लेकिन इसके बाद भी जब शिक्षा विभाग से कोई पत्र नहीं जारी किया गया तब इस बात को लेकर विपक्षी दल विरोध कर रहे थे। इन सब के बीच कटिहार दौरे के दौरान के पाठक सक्षमता परीक्षा और स्कूलों की टाइमिंग को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाकर अपना बदलाव का संकेत दिया है।